हेलो, माई सेल्फ कुलदीप सिंह गोट। मुझे 2 साल पहले बैक पेन हुआ था, बट मुझे लगा कि मैं जिम वगैरह जाता हूँ उस रीज़न से हो रहा होगा या इंजरी हो गई होगी। बट वो कुछ 3-4 महीने रहा, वो बैक पेन फिर सही हो गया। मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह ली थी, फिर 1 ईयर बाद वापस हुआ और वो बैक पेन अप्रोक्स 4-5 मंथ्स रहा। मैंने फिजियोथेरेपी ली और थेरेपीज ली, उससे फिर वो थोड़ा कम हो गया। फिर अभी अप्रोक्स 6 मंथ्स पहले वापस हुआ वो, और वो इतना खतरनाक लेवल का बैक पेन हुआ मुझे कि मुझसे बेड से खड़ा नहीं हुआ जाता था, और इतना पेन होता था कि पेन किलर तो काम मेडिसिन तो काम ही नहीं करती थी। इंजेक्शंस वगैरह लेता था तो कुछ असर होता था। फिर घर वालों ने सोचा कि इंजरी वगैरह तो नहीं है, इसको एक बार अहमदाबाद में दिखाते हैं। तो अहमदाबाद में एक जगह दिखाया, तो वहाँ सारी रिपोर्ट्स वगैरह हुई, अप्रोक्स 19-20 हज़ार की रिपोर्ट्स हुई। तो उसमें एमआरआई करी तो उसमें ऐसा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बताया था, बट कंफर्म नहीं था। फिर अहमदाबाद में दूसरी जगह बताया, वहाँ HLA-B27 और CRP टेस्ट हुआ। वहाँ मेरा HLA-B27 पॉजिटिव आया और CRP अप्रोक्स 27 के आसपास आया। बट मैंने वहाँ जितनी भी मेडिसिन्स ली, इतना कुछ उनसे फ़र्क नहीं पड़ा, और यानी टेम्प्ररी रहती थी। और तो भी मैं बेड वाली कंडीशन में ही था, मैं अहमदाबाद तक जैसे तैसे जाता था। यानी मेरी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँ, फिर मैं गाड़ी से उठ पाऊँ, जैसे तैसे मैं चलता था। फिर मेरी मदर हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं, उनको किसी ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के बारे में बताया कि वो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन वगैरह का ट्रीटमेंट देते हैं, मॉडर्न होम्योपैथी है और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो फिर सोचा कि चलो एक बार लेके देखते हैं, क्योंकि बाकी एलोपैथी तो रिलीफ कर नहीं रही थी, तो यही लेके देखते हैं। तो फिर मेडिसिंस ली तो अप्रोक्स 5 दिन में मेरा बैक पेन थोड़ा कम हो गया, यानी कि मैं चलने लग गया सही से। बट 100% 5-6 दिन में सही नहीं हुआ था। फिर धीरे 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 1 मंथ का जब मैंने कोर्स लिया तो अप्रोक्स 70-80% रिलीफ मिल गया था मुझे। फिर मैंने सोचा इतना रिलीफ मिल गया है तो फिर 2nd मंथ की फिर मेडिसिन लेता हूँ। फिर 2nd मंथ की मेडिसिन ली मैंने तो फिर अप्रोक्स 90-95% रिलीफ मिल गया था। मेरे ब्रदर की भी शादी थी, उसमें भी मैंने काम वाम कराया, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, पेन भी सही हो गया। फिर 2 मंथ्स की मेडिसिन्स कंप्लीट होने के बाद मैंने HLA-B27 टेस्ट कराया था तो वो नेगेटिव हो गया, और 3rd मंथ की मेडिसिन्स मेरी आ गई थी तो फिर वो मैंने ली। तो अप्रोक्स पेन तो एकदम ही खत्म हो गया, कभी कभार हो जाता है, यानी कि यूँ मान सकते हैं कि 99% तो सही है, कभी कभार होता है, उसके भी कुछ अलग रीजंस होंगे। बाकी तो अब मैं बहुत सही हूँ, और मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि अब मैं मेरी नॉर्मल लाइफ जी पा रहा हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि एलोपैथी लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें वैसे ही बोलते हैं देर इज नो क्योर ऑफ दिस डिसीज। तो एक तो होम्योपैथी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देती है, और इसकी कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। एलोपैथी में तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और इवन इसमें सही भी हो रहे हैं, और आपको एलोपैथी से तो 1,000 गुना ज़्यादा ही इसमें फ़र्क लगेगा। थैंक यू।